हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। तो 52 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट अभी आपके साथ देख रहे हैं कि करना भी आ गया है अभी मैदान में, क्योंकि उसको अभी मौका मिल गया। पहले उसका बाप उसको ले जा रहा था कि भाई अभी तुम्हें यहाँ पर ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही तुम्हें ये इज्जत देंगे, तो बस ये यहाँ से चलना ही बेहतर है। लेकिन दुर्योधन ने यार एक अच्छा काम कर दिया। शुरू में तो हमें भी दुर्योधन गलत लग रहा था, लेकिन ये जो काम किया ना दुर्योधन ने, तो देखते हैं कि अभी दुर्योधन की ये दोस्ती कहाँ तक कामयाब जाएगी। और अर्जुन ने भी देखते हैं, लास्ट में तो कुंती जी ने बोला कि मेरा बेटा होगा तो जवाब देगा। देखते हैं कि कौन सा जवाब होगा और इनका मुकाबला किस तरह होगा। तो प्ले आग और पानी वाली जंग है। चक्कर का मुकाबला है। कौन पराजित हुआ? अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है महाराज। महाराज की बड़ी चिंता है। सूर्यास्त होने में कुछ क्षण बचे हैं। सूर्यास्त होने से पूर्व निर्णय आ जाना चाहिए। बोला बन गया
मुंशी जी जान गए हैं, पहुंच भी एक्टिवेट हो गया भाई ये। आज ये सब फेल है। मंत्र की शक्ति अधूरी नहीं जाती। मेरे विलीन होते ही मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। मेरा पुत्र अजय होगा कुंती, समग्र विश्व में वो कर्ण के नाम से प्रकाशित होगा। कुमारी, ये तुम वो क्या हुआ कुंती? वो युवा राजकुमारी कुंती वहां मूर्छित हो गई। राजकुमारी अर्जुन ने तो बचपन में अंधेरे में भी प्रैक्टिस की है भाई। स्पर्धा समाप्त हो गई है अंगराज, सूर्य अस्त हो गया है। लगता है सूर्य देव की आप पर कृपा है, इसलिए आपका सम्मान रख लिया सूर्य देवता ने। क्या अंधकार ही तुम्हारी विद्या की मर्यादा है राजकुमार? नहीं, विजय के लिए मैं अधर्म नहीं करता। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं अहंकार है। पर निराश ना होइए अंगराज, अब आप राजा हैं, युद्ध के प्रसंग भी उपस्थित होते ही रहेंगे। मेरे विलीन होते ही मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। राजकुमारी शांत हो जाइए, राजकुमारी, और स्मरण कीजिए कि आप कहाँ हैं।
मेरा पुत्र कर्ण, मेरा पुत्र कर्ण। कौन कर्ण? मैं तो आपके पांच पुत्रों को ही जानती हूँ कुमारी। क्या कह रही हो तुम? यथार्थ कह रही हूँ कुमारी, जगत भी आपके पांच पुत्रों को ही जानता है जो कुरु सम्राट पांडु के पुत्र हैं, और आपका कोई पुत्र नहीं। ये क्या प्रलाप कर रही हो? वो मेरा पुत्र है। स्वयं भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है वो। राजकुमारी, जो पंख मोर के तन से जुड़ा होता है वही उसका श्रृंगार होता है। जो पंख छूट गया वो साधुओं के आसन की धूल झाड़ने के काम आता है। मूर्ख के भांति बात मत करो प्रियंवदा। मोर पंख तो किसी के मस्तक का मुकुट भी बन सकता है। मेरा पुत्र है प्रियंवदा, उसका अधिकार है मुझ पर। इतने वर्षों बाद वो मेरे सामने आया है। अपनी ममता पाने के लिए, स्नेह प्राप्त करने के लिए अपना अधिकार मांगने के लिए। किंतु राजकुमारी, से तो ज्ञात भी नहीं है कि आप उसकी माता हैं। जो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ उसका दुख नहीं होता मनुष्य। आप अपने पांच पुत्रों का विचार कीजिए, उनके दुख का विचार कीजिए। यदि समाज जानेगा कि कर्ण आपके विवाह से पूर्व जन्मा पुत्र है तो उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा, किंतु आपके पांच पुत्रों का उपहास होगा। दासी भी यार कुंती जी को पता नहीं क्या क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं कर सकते, आप भी उसको बेटा नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर आपके पांच बेटों का भी इंसल्ट होगी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आपकी माँ की शादी से पहले बेटा हुआ था। बाकी अभी यार दुर्योधन को भी एक मुकाबले वाला शख्स मिल गया और दोस्त के रूप में, जो अर्जुन का भी मुकाबला कर सकता है। और अर्जुन भी समझ गया कि कर्ण के ऊपर बस सूर्य देव की कृपा है, इस वजह से वो दिन में ही ताकतवर है और रात को शांत हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि भाई अभी तुम राजा हो तो अभी फिर तुम्हारे साथ मुकाबला होगा, बाकी अभी तुम्हारी शक्ति चली गई तो मैं अपने आप को इस तरह नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं और मैं मुकाबला करूँ। तो भाई हम समझ रहे हैं धीरे धीरे महाभारत को, हम फुल्ली मतलब समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है। शकुनी की चालें और धृतराष्ट्र जी का अपने बेटे के लिए प्यार, कुंती जी का अपने बेटों के लिए प्यार, भीष्म जी, विदुर जी, सारे यार मजा आ रहा है ये महाभारत देखने में। महाभारत तो दिन ब दिन सुलझ तो नहीं रहा है, उलझ रहा है। कुंती जी को भी अपना बेटा मिल गया करना, तो अभी वो भी उसको दासी बोल रही है ऐसा नहीं बोलो, आपके पांचों बेटे के लिए बोलो। तो आगे जितना भी है ना, धृतराज महाराज भी वो तो बोलता है मेरा ही बेटा राजा बने, तो वो तो अकल से तो वैसे तो वो अंधा है, वैसे भी वो बहरा ही हो चुका है। शकुनी मामा भी कांधार छोड़कर यहाँ पर बैठ गया हस्तिनापुर में, कब वो जान छूटेगी? शकुनी से जान छूटे ना भाई, मैं तो गुस्सा हूँ शकुनी पर। तो अभी महाराज भीष्मा जी की भी बेचारी की नहीं चलती है, वो भी बोलता है तो कोई ना कोई बीच में टांग अड़ा देता है। विदुर जी भी खामोश है। अगर ये हस्तिनापुर से ये शकुनी का साया हट जाए ना, तो ये हस्तिनापुर भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। भाई जो है ना, ये अगर भाई भाई बन जाते ना तो यार मज़ा आ जाता, पर यार राजकुमार दुर्योधन ने इसको अपने साथ मिला लिया ना, तो यार ये बड़ा अफसोस हुआ। पर उसको भाई मिल गया जो उसका हकदार था ना उस जगह का, वो उसको हक मिल गया। तो आगे देखेंगे यार कर्ण आप क्या करेंगे, यार ये बड़ा जानने का इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे हम आपके साथ मिलेंगे यार। बिल्कुल भाई, और वकार भाई ने बोला महाभारत तो उलझती जा रही है।
मैं कहूँगा कि अभी नहीं उलझ रही, अभी सुलझ रही है, क्योंकि अभी हमें सब पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या प्लानिंग चल रही है। करना का करना के बारे में भी माता जी को भी पता चल गया, तो अभी सबका किरदार हमें पता चल रहा है धीरे धीरे। तो महाभारत अभी सुलझ रही है, अभी आगे और भी मतलब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट्स होने वाले हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, और आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।